दोस्तों, बिना किसी लालच के किसी की सहायता करना ही मानवता है। इसी मानवता को दक्षिण अफ्रीका के एक घटना ने साबित कर दिया है, जहां एक गैस कर्मचारी ने खुद के पैसों से एक आश्रित महिला की गाड़ी में 5 पाउंड यानी कि 440 रुपए का फ्यूल भरकर उसकी मदद की। बता दें कि मामला केप टाउन का है, जहां बाहरी इलाके में स्थित एक गैस स्टेशन पर 21 वर्षीय मोनेट वॉन डेवेंडर नाम की महिला अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाने आई थी। लेकिन जब उसने अपनी गाड़ी में देखा तो उसके पास क्रेडिट कार्ड, पर्स, पैसे कुछ भी नहीं थे। वो अपना क्रेडिट कार्ड और पैसे घर पर ही भूल आई थी। बता दें कि मोनेट को आगे जिस रास्ते से जाना था वो रास्ता काफी सुनसान था। इसके अलावा वहाँ खूंखार गैंग का भी ठिकाना था। ऐसी स्थिति में गाड़ी में फ्यूल भराना बेहद जरूरी था। मोनेट को डर था कि रास्ते में उनकी कार का फ्यूल खत्म हो सकता है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए गैस कर्मचारी मबेले ने अपने खुद के पैसों से महिला की कार की टंकी को तेल से फुल कर दिया। महिला के मुताबिक उसने गैस कर्मचारी मबेले से कहा कि मेरी कार में फ्यूल खत्म होने वाला है और कार में फ्यूल भरवाना बेहद जरूरी है, लेकिन मैं अपना पर्स और क्रेडिट कार्ड घर पर भूल आई हूँ। महिला की बात को सुनकर मबेले ने कहा, मैडम, ये रास्ता काफी सुनसान है और आपका बिना फ्यूल के गाड़ी ले जाना सेफ नहीं, इसलिए मैं अपने खुद के पैसों से आपकी गाड़ी में फ्यूल भर दूंगा। आप मुझे फिर कभी पैसे दे देना जब भी आप इस रास्ते से गुजरे। महिला ने इस बात से खुश होकर मबेले को इनाम देने का सोचा और इस काम के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक का सहारा लेकर पैसे जुटाने का अभियान चलाया और इस अभियान के जरिए उसने मबेले के लिए 23.5 लाख रुपए जुटाए, जो कि मबेले की 8 साल की तनख्वाह के बराबर थे। इस इकट्ठी की गई धनराशि को देने के लिए महिला मबेले के घर गई, लेकिन उन्हें इतनी ज्यादा रकम लेने से साफ मना कर दिया। मबेले का कहना है कि मैंने वही किया जो मुझे इंसानियत के नाते करना चाहिए था। इसके साथ ही उन्होंने कहा, अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता जो मैंने किया है। मबेले का मानना है कि श्वेत अश्वेत जाति पाति जैसी कोई भी चीज नहीं होती, सभी को एक साथ मिलकर रहना चाहिए, इसलिए हमें ऐसे हालातों में दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। काश दोस्तों कि हर इंसान की सोच मबेले जैसी होती तो शायद हमारे देश में निर्भया और प्रियंका जैसे मामले न होते। हम दिल से सैल्यूट करते हैं इस शख्स को। इस शख्स के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।